सनकादिकों से जब पूछा, महाराज हम एक शब्द में हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दो। धर्मशास्त्रों में तो खूब भरा पड़ा है ज्ञान विज्ञान। संत वो होते हैं जो सारे शास्त्रों के मर्म को जान के आत्मसात करके थोड़े से शब्दों में सब कुछ बता देते हैं, सूत्र रूप में। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, राजन हम तुम्हें एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार समझाई देते हैं। क्या है महाराज? बोले शास्त्रे स्वयाने सुनिश्चितो निर्णय क्षेमस्य सदृग ब्रह्मसे सुहे असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मने दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनकादि कहते हैं, सुनो राजन, शास्त्रेषु सदृग ब्रह्मशेषु नृणाम क्षेमस्य या नैव सुनिश्चितः। 4:22-21 चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें सनकादिक ऋषि सभी शास्त्रों का सार एक शब्द में समझा रहे हैं। कहते हैं, हमने सब शास्त्रों का बही भांत अध्ययन किया है, मंथन किया है, चिंतन किया है, और उस सबका चिंतन करने के बाद मक्खन की तरह सार क्या निकाला है? बोले असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। असंग आत्म व्यतिरिक्त माने आत्म व्यतिरिक्त असंग आत्मनि दृढ़ारति, ये पूरा सूत्र है। जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे आप असंग रहने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दीजिए, और जो आत्म वस्तु है उसे खोजिए, उसे पहचानिए, उसे जानिए, और उसी में रति करने का प्रयास कीजिए। सूत्र तो थोड़ा होता है ना, उसकी व्याख्या में जब जाओगे तो तब बात विस्तार से समझ में आएगी। तो सूत्र रूप में बात कह रहे हैं, असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा व्यतिरिक्त का मतलब अनात्म वस्तु, आत्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे जितना हो सके असंग रहो, चिपको मत, और आत्म वस्तु को पहचान करके उसमें रति करो। जो निर्गुण है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारे आत्मा है। देखो, देह में रति करोगे तो कितना भी आप च्यवनप्राश खा लो, चाहे जितना कपालभाति कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, बड़े बड़े सिद्ध हो गए, परंतु देह तो सबको त्यागना ही पड़ता है। देह अनात्म वस्तु है, पर इसमें बैठा हुआ जो आत्मा है वो अविनाशी वस्तु है। विनाशी वस्तु में जितना प्रेम करोगे उसके विनाश पर आपको इतना ही रोना पड़ेगा, और अविनाशी से यदि आपने प्रेम कर लिया तो उसका विनाश कभी होना नहीं है, तो रोने का कभी प्रश्न नहीं है। तो दुख के जाल से मुक्त होना चाहो तो आत्म वस्तु से प्रीति करो, अनात्म वस्तुओं की प्रीति रुलाएगी ही। इसलिए असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिन ब्रह्मणि निर्गुणे चया। बहुत सुंदर सार रूप में उपदेश प्रभु भगवान ने दिया है। ऐसे भगवान प्रभु हो गए। बोल प्रभु भगवान की।